गरियाबंद में नक्सल मोर्चे पर एक और बड़ी सफलता मिली। अवार्ड जंगल में डीआरजी और ओडिशा एसओजी सीआरपीएफ की संयुक्त टीमें सर्च ऑपरेशन चला रही थी, जिसमें नक्सलियों ने फायरिंग शुरू की। जवाबी कार्रवाई में जवानों ने नक्सलियों को भागने पर मजबूर कर दिया। इस कार्रवाई में जवानों ने नक्सल डेरा उजाड़ते हुए सिंगल शॉट राइफल, नक्सल साहित्य, अन्य सामग्री बरामद की। आज गरियाबंद पुलिस, ओडिशा के एसओजी, कोबरा और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम नक्सल आसूचना पर जुगाड़ थाना में अमाड़ जंगलों में रवाना हुई थी। इसमें आज सुबह करीब 7 बजे के आसपास नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हुई। नक्सलियों द्वारा पुलिस पार्टी को आता देख उन पर फायर किया गया था, जिसमें पुलिस पार्टी द्वारा भी जवाबी कार्रवाई की गई। उसके पश्चात जब जंगलों का पूरा जो घटनास्थल का निरीक्षण कर वहाँ की सर्चिंग की गई, तो एक सिंगल शॉट राइफल और अन्य नक्सली साहित्य जो उनके दस्तावेज है और दैनिक उपयोगी सामग्री, कंबल वगैरह और जो डेरा में उनका सामग्री होता है, सारा बरामद किया गया। रतलाम के माणक चौक थाने की मदीना कॉलोनी में 4 महीने की जुड़वा बच्चों की पानी में टंकी में डूबकर मौत हो गई। खुद एसपी अमित कुमार घटनास्थल पर पहुंचे, घटना का सीन रिक्रिएट किया। बच्चों के शव को गुरुवार सुबह ही पुलिस ने मजिस्ट्रेट के आदेश से कब्रिस्तान से निकालकर पीएम के लिए भेजा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी अमित कुमार, एसपी राकेश खाका और एफएसएल की टीम के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने एक डमी बेबी को पानी की टंकी में अलग अलग एंगल से गिराकर जांच की। हम इस वक्त उसी मकान के यहाँ मौजूद हैं। इस वक्त रतलाम एसपी अमित कुमार एफएसएल टीम के साथ खुद घटनास्थल पर आए हैं और सबसे पहले हम सर से बात करेंगे। सर, घटनाक्रम हुआ है, आप भी आए हैं, पूरा सब कुछ रिक्रिएट करके देखा है, तो क्या बात है? देखिए, बेसिकली काफी दुखद घटना है। बेसिकली दो बच्चों को, एक बच्चे और एक बच्चा, दोनों 4 माह के हैं, उनकी जो है डेथ हुई है और टंकी में डूबने से डेथ हुई है। प्राइमा फेसी जो है अभी जो है संदेहास्पद मामला प्रतीत हो रहा है। फिर भी बच्चे को एग्ज्यूम करा करके, क्योंकि बिना जानकारी के जो है बच्चों को दफना दिया गया था, एग्ज्यूमेशन के बाद उनका पीएम कराया गया और पीएम कराने के बाद जो है अभी जो है जानकारी जिस तरह से पीएम पे आएगी, जिस तरह से एफएसएल डॉक्टर जो है एक्सपर्ट्स अपने जो है ओपिनियन देंगे, उस अनुसार कार्रवाई की जाएगी। क्या आ रहा है शुरुआती जांच में, जिससे बताया गया है कि जो शंका है पुलिस की वो? बिल्कुल, देखिए कुछ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है, पूर्व में भी जो है कुछ इस तरीके के इनके बच्चे के साथ जो है पूर्व में भी संदेहास्पद घटनाएं हुई थी और एक बच्चे की डेथ भी हुई थी, एक बच्चे को जो है और भी पहले भी जो है इंजुरीज आई हैं, तो सभी पहलुओं को जांच करने पहले सभी पहलुओं की जांच पे करने पे जल्द से जल्द हम जो है कोई कंक्लूजन में पहुंच सकते। शक किस हुई तो है जो वहां पे ही है? एक शक है, अब आगे जो है सभी पहलुओं को हम देख रहे हैं, फादर के, मदर के, जो जो बच्चे हैं उनके फादर मदर और जो भी परिवार जन है सभी से जो है बातचीत की जाएगी। तो यह रतलाम एसपी अमित कुमार से जो मौके पे आए, निरीक्षण किया है, डमी से जो है पूरा सीन रिक्रिएट भी किया है, लेकिन बात कुल निकलकर तो यही सामने आ रही है कि शक की सुई परिवार पर है और अब वही पूछताछ भी चल रही है। रतलाम से साजिद खान, एनडीटीवी। रीवा से एक हैरान कर देने वाले हादसे की खबर सामने आई। यहां एक बेकाबू बाइक सीधे सड़क किनारे मौजूद चाय की दुकान में जा घुसी। इस दौरान चाय की दुकान के बाहर बैठे 3 दोस्त हादसे की चपेट में आने से बाल बाल बच गए, लेकिन इस हादसे में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई।